आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। चौरी में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी की दहाड़। योगी सरकार ने युवाओं को मोबाइल देकर बनाया हाईटेक। खबर जनपद भदोही के परसोत्तमपुर परसीपुर चौरी से है, जहां राम नरेश सिंह महिला महाविद्यालय औराई में मोबाइल वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा कर दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल फोन देकर आज के डिजिटल युग में प्रदेश के युवाओं को हाईटेक बनाया। मैंने खुद अपने हाथों से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया। जनपद के लगभग हर महाविद्यालय में युवाओं को मोबाइल फोन वितरण किया जा रहा है। अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि आज के बदलते युग में महिलाओं के बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती। देश की शायद ही ऐसी कोई योजना हो जिसमें महिलाएं उच्च पद पर विराजमान ना हो। आज की बेटियां पूरे विश्व में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं। आज देश के हर क्षेत्र में योजनाओं की भरमार है। सभागार में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को किसी भी तरह से परेशानी हो, आप मेरा नंबर डायल करिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा। बताते चले कि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जनपद में बच्चे, बूढ़े और युवाओं तथा महिलाओं की एक मजबूत नेता के रूप में पहली पसंद हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में देखे जा सकते हैं। इस दौरान महिला महाविद्यालय के प्रबंधक नीरज कुमार सिंह, प्राचार्य विमल मौर्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य पिंटू, शिक्षकगण सुजीत राय, कृति दुबे, विमल पाठक, ब्रजेश मौर्य, राधेश्याम यादव, अभय दुबे, संतोष यादव आदि उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद में तो पहले करीब करीब सभी डिग्री कॉलेज और महाविद्यालयों में सब जगह मोबाइल का वितरण हुआ था 2023 में। अब तो 2024 लग गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज का ये एक फरमान है कि हमारा बहन और हमारी भाई कोई ऐसा न बचे जिनको स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण न हुआ हो। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ही देन है। जब कोविड काल लगा तो हमारे भाई और हमारे बहनों सभी ने घर में रहना पसंद किया, न कि सरकार का फरमान भी था, सभी घर में ही रहते थे। क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में जो भी कोई बाहर से आता, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे पश्चिम बंगाल से, चाहे मद्रास से, चाहे हमारे सगे भाई क्यों ना, हमारी बहन क्यों ना रही हो, तो उस वक्त यही होता था कि भाई थोड़ा दूर रहो एक हफ्ते। एक हफ्ते उनको दूर घर से बाहर रखा जाता था। तब उस समय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को एक उनके अंदर सोच आई कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां, हमारे बेटे और हमारे भाई कैसे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो तुरंत उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने पास किया कि बीए, बीएससी, एमएससी, बहुत से माने टेक्नीशियन जो जो लड़के और लड़कियां थे उनको सभी लोगों को टैबलेट और मोबाइल फोन का वितरण किया गया। आज के दिन मैंने सबसे पहले गोपीगंज और जंगीगंज के बीच में हरिओम संस्थान महाविद्यालय में सबसे पहले जाकर के वहां पे अपनी बहनों और भाइयों को मोबाइल दिया। उसके बाद दूसरी बात, वहां से चलने के बाद केएमपीजी महाविद्यालय ज्ञानपुर में भी मैंने अपने बहनों को, अपने भाइयों को मोबाइल बांटा। तीसरा स्थान यह है परसोत्तमपुर, जहां से राम नरेश सिंह महिला महाविद्यालय भाई हमारे नीरज सिंह द्वारा हमको इतना प्यार और इतना सम्मान दिए कि पहला बार ही नहीं, दूसरा बार भी बुला करके अपने महाविद्यालय में बुलाए। मैं ऐसे भाई का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐ मेरे भाई हमेशा आगे बढ़ो, ये भाई तो आपके साथ ही है और हमारी बहनें यहां बैठी हैं, आप भी देख सकते हैं कि मुस्कुराहट उनकी चेहरों पे आज कितनी मुस्कुराहट है। ऐसी बहनें हमेशा प्रसन्न रहे, मैं बहनों को यही शुभकामनाएं दे रहा हूं। और मैं तो भाई होने के नाते कौन भाई नहीं चाहता है कि हमारी बहन आगे बढ़े। ऐसा कौन सा भाई होगा ये नहीं सोचेगा, कि कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारी बहन आगे ना बढ़े। भाई की तो यही हमेशा तमन्ना रहती है कि मेरी बहना आगे बढ़े, मैं उसके पीछे पीछे बल्कि चल लूंगा। हमारी बहन अगर खुशहाल रहेगी तब तो हम खुशहाल रहेंगे। ऐसे बहनों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज बहनों के घर पे फिर से दीपावली मनाई जाएगी। क्यों पूछो क्यों मनाई जाएगी? आज सचमुच में आज त्योहार जैसा माहौल गांव में रहेगा और गांव के सभी लोग खुशहाल रहेंगे
और सभी बहनों को बधाइयां भी देंगे। हम तो जान रहा हूं कि अगल बगल के सभी लोग आएंगे और बहन से कहेंगे बिटिया रानी तो ऐसे और आगे बढ़ा, ऐसे पढ़ा, और जो जो बुजुर्ग टाइप के रहेंगे वो हमेशा इन बिटिया रानियों को हमेशा तारीफ करेंगे। और हमारी भी शुभकामना है कि श्री राम नरेश सिंह महाविद्यालय का नाम इन्हीं बेटियों द्वारा नाम रोशन भी होगा, और खुशी भी तब मुझे होगी जब यही बहनें हमारी पढ़ लिख करके यूपी में कहीं अपना स्थान रखेंगी, तो कभी मैं भी भाई बनकर के इनके दरवाजे पहुंचूंगा तो अपार खुशी होगा होगी कि मैंने इसी बहन के घर बहन को अपने हाथों से मोबाइल दिया था, तो अपार खुशी होगी। सभी बहनों को भाई ढेर सारी शुभकामनाएं, और महाविद्यालय के प्रबंधक प्राचार्य सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरी तरफ से जिला पंचायत भदोही की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग सदैव आगे बढ़े। आप गुरुजन हैं, माता पिता तो जन्म देते हैं पर आप लोग उनको शिक्षण और बहुत सारे संस्कार आप लोग ही सिखाते हैं। बेटियां बहनों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी भी बहुत आगे बढ़ जाओ पर अपना संस्कार कभी मत भूलना। मैंने यहां देखा एक दो बहनें हमारी ऐसी है कि अपने संस्कार भूल करके माने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये गलत बात है। कभी अपने को इतना एडवांस मत समझ लीजिए कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसे वो नहीं है। आप अपना भविष्य अपने हाथ में है, आप लोगों का भविष्य आपके हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे वैसे ही हो पाएंगी। अगर और रास्ता रोकने वाले बहुत से मिलेंगे पर उस रास्ते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो जान रही हो योगी जी की सरकार है, बुलडोजर भी साथ में है, तो कोई पैदा भी नहीं हुआ कि हमारे बहनों की तरफ नजरे उठाए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है, हमारी बहन जहां भी आगे जाना चाहेंगी। कौशल योजना अंतर्गत पहले तो नौकरी कहीं नहीं मिलती थी, आज नौकरी आपके घर द्वार मेला लग रहा है कि बहन किस लाइन में जाएंगी, किस कंपनी में काम करेंगी। अब ऐसी बहनें कोई हो अगर सर्विस में जाना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे, मैं यहाँ भी वो कंपनी वाले यहाँ भी आकर के मेला लगाएंगे। और पहले और में अब में बहुत अंतर है, योगी जी की सरकार में सभी लोग खुशहाल है। यहाँ पे तो नहीं बांटा गया, KNPG डिग्री कॉलेज में नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा गया है, और जिले में कम से कम हमारे हिसाब से मैं सभी महाविद्यालयों में गया हूँ करीब हजारों बहनों ने माने नियुक्ति प्रमाण पत्र उनको मिला, और वो जा करके कहीं नोएडा में, कहीं गाजियाबाद में, कहीं दिल्ली, कहीं कानपुर, कहीं बनारस, माने हर जगह जा जा करके अपना सर्विस भी कर रहे हैं। बीच बीच में मैं भी बहनों से बात करता हूं तो बड़ी खुशहाली। जो कभी कुछ किया ही नहीं है तो कहेगा ही। जैसे मैं कभी जैसे उदाहरण ये है, बसपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, उन लोगों ने हमेशा लोगों को बरगलाने का काम किया। आज मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी बहन या हमारे भाई किस जात के हैं, किस कास्ट के हैं। आप यहीं पे देख लीजिए, ऐसा कोई कास्ट नहीं होगा जो जिस कास्ट की हमारी बहनें ना हों। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कभी ना हुआ है, न कभी होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा चलती है और हमेशा चलेगी भी। मैं हम लोग तो चैलेंज दावे के साथ कहता हूं, हम तो बहनों से भी कहा, भाइयों से भी कहा, सभी कॉलेजों में जो भी कमी हो, जहां भी कोई जरूरत हो, तो आपका, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं पर मैं चैलेंज और दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी बहनें जो चाहेंगे, हमारे भाई जो चाहेंगे, होगा वही। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा
घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।